सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल CBSE अपडेट्स में। तो आज की जो हमारी अपडेट है उसको बताने से पहले मैं उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ जिन्होंने जो है विज क्विज के राउंड वन और राउंड टू में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, जैसे कि दिव्यांशी उप्रीति जी, उसके बाद और भी कई लोग थे जिन्होंने मुझे अपना नाम भेजा था। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को जितने भी लोग जो है क्वालिफाई किए हैं। और राउंड टू में भी सच बताऊँ तो बहुत सारे अपडेट्स मेरे पास आए हैं कि दिव्यांशु प्रीति जी ने भी और भी एक अभिनव जी करके कोई हैं जो कि पंजाब से हैं, उन्होंने भी जो है बेहतरीन प्रदर्शन किया राउंड टू में। तो बहुत बहुत बधाई हो, पहले तो आप लोगों की मेहनत जो है वो रंग लाई और मुझे थैंक यू बोलने की जगह थैंक यू आप लोगों को, क्योंकि आप लोग स्ट्रैटेजिकली अगर किसी भी टीचर को फॉलो करते हैं या उनकी बातों को पूरी तरीके से मानते हैं तो भाई सीधी सी बात है, यस आपको कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी। और फिर मेरे और मेरे चैनल का मोटिव हमेशा से यही रहा कि आपको जितना ज़्यादा हो सके सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं, यही मेरा मोटिव रहा है। तो चलिए जान लेते हैं कि आज की अपडेट क्या होने वाली है। ओके, मेरे गले पर मत जाना क्योंकि दो दिन से मैं यहाँ पर थी भी नहीं, आपके साथ जुड़ नहीं पा रही थी, बहुत सारे मैसेजेस जो थे वो मैं सीन नहीं कर रही थी क्योंकि सीटेट था, आपको पता होगा सीटेट का एग्जाम जो था वो था जो कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और वो हमारे स्कूल में कंडक्ट हो रहा था, एग्जाम सेंटर था, तो आई वाज बिजी इन दैट, सो सॉरी। तो दो दिन तक आप लोगों से कोई भी कनेक्शन नहीं बिठा पाई उसके लिए। और ये जो गला आप सुन रहे हैं ये भी उसी की जो है वो है, मतलब क्या देन है, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा तबीयत भी खराब रही मेरी दो दिन। तो चलिए कोई बात नहीं, ये सब बातें छोड़ते हैं, आज की अपडेट की तरफ चलते। तो आज की जो अपडेट है वो अगेन एक टीचर्स ट्रेनिंग को लेकर है, जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, साइट करा रहा है, मतलब ये कि चिंता की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर जितने भी वीडियोस आपके छूट गए, मतलब 21 अगस्त से वो शुरू थी क्योंकि मैं अपडेट नहीं दे पाई 25 अगस्त तक, तो पुराने जितने भी लिंक है वो आपको वीडियो के लिंक उनकी साइट पर मिल जाएंगे, सारी लिंक्स मैं कर दूंगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, करते रहिएगा, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कमेंट में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती रहती हूँ, अगर बिजी भी होती हूँ तो भी आपको कमेंट के जरिए तो मैं आप लोगों से टच में रह सकती हूँ। तो चलिए बाकी की डिटेल्स मैं आपको दूंगी कि कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी क्विज होगी, कैसे सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको, ये सब वीडियो के अंदर पूरा जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर, राधे राधे। सो हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कि मैं हाजिर हूँ लेकर बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो जिसको अपडेट किया गया है 21 अगस्त को ही, मतलब कल का ही ये अपडेट है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने थंबनेल पर भी पढ़ लिया होगा, ये अगेन एक और ट्रेनिंग है जिसको साइट करवा रहा है सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और अगर हम देख लें इसके सब्जेक्ट के बारे में तो सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन डेवलपिंग ऑफ ई कंटेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स को पढ़ने और पढ़ाने के लिए ई कंटेंट जो है उसका डेवलपमेंट ही इसका सब्जेक्ट होने वाला है। कब तक ये चलेगी, तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 21 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक। और साइट की जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है, मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग्स की, उसमें अगर आप एक दिन छोड़ भी देते हैं या दो दिन आपके छूट जाते हैं, आपको लेट से पता चला, तो भी साइट आपको ये इतनी अच्छी सुविधा प्राप्त करवाता है कि वो अपनी वेबसाइट पर जो पुराने वीडियोज हैं उनकी लिंक प्रोवाइड करता है, तो आप लिंक देख सकते हैं और बाकी के जो सेशन हैं वो लाइव ले सकते हैं। तो चलिए विदाउट गेटिंग डिलेड मैं आपको बता देती हूँ कि आगे का क्या क्या इसका जो है एक्सप्लेनेशन, वो ये है कि 5 दिन की ये ट्रेनिंग है 21 से 25 अगस्त तक। आप देख सकते हैं कि इसमें टाइटल क्या क्या होने वाला है, ई कंटेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, नीट स्कोप एंड फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया जाएगा, जियो जेब्रा क्या होता है, डेवलपिंग ई कंटेंट फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ 2D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, लर्निंग ऑफ कैलकुलस, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। फिर मैं आपको अगेन एक और चीज़ बता दूँ कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये लिंक, इस लिंक पर ही आपको जो है लाइव सेशंस मिलेंगे CBSE साइट की ट्रेनिंग के। तो ये इस जो इस वीडियो से जुड़ी जितनी भी लिंक्स मैं आपको बताऊंगी वो सब कर दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच, तो उसके लिए आपको बेफिक्र रहे, आपको कोई भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पर आपको सारी लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगी। अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो क्या रखा है। अब आप पूछेंगे कि मैम यूट्यूब पर जब है तो रजिस्ट्रेशन करने की क्या ज़रूरत है, तो बता दें हम आपको कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, प्रॉपर क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते, आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो अच्छे से पहले रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर का प्रोसेस भी आपको बता देती हूं। मैं अपना नेट चालू कर लेती हूं यहां से, मोबाइल डेटा को मैंने ऑन कर लिया है ऑन, और यहाँ पर जो इनकी वेबसाइट दी हुई है साइट NIC.in, यहाँ पर हम लोग चलते हैं देखते हैं क्या इन्होंने बताया हुआ है। तो ये देखिए साइट की जो वेबसाइट है वो खुल गई है मेरे मोबाइल पर, मोबाइल स्क्रीन पर, और केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये जो इसका सब्जेक्ट है ये देख लीजिए। एक और एडवर्टीजमेंट यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि टाइमिंग क्या होने वाला है, तो टाइमिंग होने वाला है 4 बजे से लेकर 5 बजे तक रोज इसकी लाइव क्लास चलेगी। अब कैसे आपको फॉलो करना है वो भी देख लीजिए, चलते हैं सीधे इसके प्रोसेस पर।
कि अगर आप चले जाएंगे प्रोग्राम शेड्यूल पर, तो देखिए शेड्यूल में भी आपको सारी चीज़ें, देखिए डे वन जो है वो बीत चुका है तो डे वन का वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव, इस तरीके से आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। और ये जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जा रही है, और ये भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करा दूंगी आपको प्रोवाइड, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, इस फॉर्म को भरिएगा आराम से, बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। यूट्यूब पर जो है आप इसको देख सकते हैं, इनकी जो प्लेलिस्ट है उसकी भी मेरे ख्याल से दी रहती है, हाँ जी इस बार नहीं दी है, कोई ना जी। उसके बाद फिर आपको स्टेप थ्री लास्ट डे मतलब 25 अगस्त को शाम को 6 बजे इसकी एक सेशन क्विज होगी, मतलब एक छोटी सी क्विज होगी, जो कि ये 5 दिन के सेशन के कुछ बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 20 से 30 क्वेश्चन होते हैं, और 20 से 30 क्वेश्चन में से आपको 70% से अबव आपको नंबर लेकर आने हैं। अगर आप 70% से अबव नंबर लेकर आ जाते हैं तो आपको एक बढ़िया सा सर्टिफिकेट आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। अब आप बोलेंगे कि कई बार होता है कि हमने कुछ कुछ चूक भी कर दी या नहीं हो पाया, तो फिर इस जो सर्टिफिकेशन है उसका लेने का क्या फ़ायदा, तो उसके लिए मैं और मेरा चैनल आपको प्रोवाइड कराता है एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा, कि जैसे ही 25 तारीख को इसका जो पोस्ट सेशन क्विज है वो आएगा, वैसे ही मैं उसे अटेंड करूँगी, और मोस्टली मैं आप लोगों के लिए पूरे 5-5 दिन की, क्योंकि मैं भी टीचर ही हूँ तो आप लोगों को मैं बताती हूँ, तो मैं खुद भी अटेंड करती हूँ, तो अटेंड करके मैं पोस्ट सेशन क्विज जो है वो भरती हूँ, और यूजुअली अभी तक ऐसा हुआ है कि 70% से मेरे ऊपर मार्क्स आ जाते हैं, और मैं पूरे आंसर जो है अपने टेलीग्राम चैनल जो है उस पर शेयर कर देती हूँ, तो आप वहाँ जाकर ले सकते हैं और सेशन को इसको अटेंड करके एक प्रॉपर सर्टिफिकेट जो है वो अपने नाम कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 25 अगस्त 6 बजे से जो लिंक है वो शुरू हो जाएगी, सेप्टेम्बर 4th को खत्म हो जाएगी, तो आपके पास पर्याप्त टाइम है, आप प्रॉपरली वीडियो देख कर भी इनके जो आंसर्स हैं वो दे सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आपको 4th स्टेप में क्या करना होगा। जैसे ही आप पोस्ट सेशन को भर लेंगे आपको फीडबैक फॉर्म भरना होगा, इसकी लिंक भी आपको मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसके बाद आपको एक बढ़िया सा सर्टिफिकेट जो है आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और देर रात।